हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे। अभी मैं अपने घर के पास में बने पार्क में घूमने के लिए आ रहा हूँ और अभी शाम का वक्त है, जो टाइमिंग हो रहा है करीब 6:30 बजे का टाइमिंग हो रहा है और अभी हल्की हल्की धूप भी है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पार्क के बराबर में खाली सा ग्राउंड है, उस पार्क में समर कार्निवल मेला चल रहा है जो कि 25 मई से शुरू हुआ था और 30 जून तक चलेगा। पार्क में घूमने के साथ साथ मैं समर कार्निवल मेला भी घूमने के लिए जाऊंगा। मेले में जाके देखता हूँ कौन कौन सी राइड है और कौन कौन से झूले हैं। मैं अभी सिर्फ मेले में घूमने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ना ही कोई झूला झूलना और ना ही कोई राइड करनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले जेंट व्हील की राइड की थी जिसमें मैं काफ़ी डर गया था और मुझे काफ़ी डर लगा था। तब से आज तक मैंने कोई मेले में जाके कभी कोई राइड नहीं की है और ना ही कोई झूला झूला है। मेले में जाने से पहले मैं थोड़ी देर पार्क में घूम लेता हूँ, क्योंकि अभी 6:30 बजे का टाइमिंग हो रहा है। मेले के अंदर लाइटिंग वगैरह ऑन हो जाएगी जिससे कि मेला और भी अच्छा दिखेगा। आपको भी देखने को मिलने वाला है कि मेले में कौन कौन सी राइड है और कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। अभी मैं मेले को एक्सप्लोर करूंगा कि मेले में मुझे क्या क्या देखने को मिला, मेले के अंदर और भी इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं। जो ये मेला खाटू श्याम पार्क बदरपुर मोड़बंद में लगा हुआ है, जिसके साथ ही आजकल मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और ना ही कोई जगह आपको एक्सप्लोर करा रहा हूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली के अंदर काफी गर्मी पड़ रही है, हिम्मत ही नहीं होती जाने की, क्योंकि मुझे मन भी नहीं करता है, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो और मेरे ब्लॉग को भी सपोर्ट नहीं करते हो जिससे कि मैं काफी मेहनत करके ब्लॉग बनाता हूँ। प्लीज सपोर्ट कर दिया करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, आप अपने आसपास जितनी भी खाली जगह हो वहाँ पे आप पेड़ लगाएं जिससे कि आने वाले टाइम पे पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। तो अब मैं मेले में जा रहा हूँ, आपको भी देखने को मिलेगा समर कार्निवल मेला। मैं समर कार्निवल मेले में आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पे मेले का व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिला। मेले में घूमने का मजा इवनिंग के टाइमिंग में ही आता है। वैसे तो मेले इवनिंग के समय में ही ओपन होते हैं, लाइटिंग की वजह से मेला काफी अच्छा दिख रहा है। मेले के अंदर आते ही मुझे सबसे पहले खाने पीने के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं, जैसे गोलगप्पे का स्टॉल और साथ ही आलू टिक्की चाट का भी स्टॉल है। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे पाव भाजी भी मिल रही है जिसका रेट 50 रुपए प्लेट का है। मैंने समर कार्निवल मेले में आके देखा यहाँ पे खाने पीने के लिए काफी कुछ मिल रहा है। इन सबके साथ साथ यहाँ पर आइसक्रीम, कॉटन कैंडी यानी कि गुड़िया के बाल, इन सबके भी यहाँ पे स्टॉल है। और इनके बाद मुझे यहाँ पे चौमिन का स्टॉल और छोले भटूरे का भी स्टॉल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बैठ के काफी लोग खा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेले के अंदर सब कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है इधर। इसके बाद मुझे यहाँ पे द पिज्जा पॉइंट देखने को मिला। यहाँ पर फोटो स्टूडियो का भी एक स्टॉल देखने को मिला मुझे, जिसमें शेर और अलग अलग बैकग्राउंड बने हुए थे फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पर जापानी शीशों में अपने आप को देखकर हंसिए, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि आप 10 रुपए में यहाँ पे अपने आप को देखकर हंसिए। समर कार्निवल मेले के अंदर भूत बंगला भी देखने को मिल रहा है मुझे। तो इस तरह की चीजें वगैरह भी है मेले के अंदर। ये सामने ही जेंट व्हील वाला झूला भी है मेले के अंदर और इसके साथ ही किंग सम्राट जादूगर का एक स्टॉल बना हुआ है। इसके अंदर जादू देखने के साथ साथ यहाँ पे डांसिंग की एक्टिविटी भी होती है, जो ये मेले के अंदर ही देखने को मिलता है। यह सब देखने के बाद मैं आगे चलता हूँ कि मेले में मुझे और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी समर कार्निवल मेले में। मेले में बच्चों के लिए मिक्की माउस वाला भी बना हुआ है जिसमें बच्चे काफी एंजॉय करते हैं और काफी मस्ती करते हैं। बच्चों के लिए तो काफी एंजॉय करने वाली चीज है ये। तो समर कार्निवल मेले में आके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी मेले में आके विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली और बच्चों के साथ, अगर आप इसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो। मेले के अंदर बच्चों से लेके बड़ों तक की राइड है, झूले हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बच्चों की टॉय ट्रेन भी देखने को मिल रही है मुझे, जिसमें बच्चे काफी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। मेले के अंदर बच्चों के लिए इस तरह की और भी राइड्स हैं जिसमें बच्चे काफी एंजॉय कर सकते हैं और झूला झूल सकते हैं। एक यहाँ पर एरोप्लेन वाली भी राइड है बच्चों के लिए, जिसमें भी बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेले में बहुत सी राइड है बच्चों के लिए। इसके बाद यहाँ पे बड़ों के लिए जेंट व्हील वाली राइड है, जो कि जेंट व्हील वाली राइड की 80 रुपए की टिकट है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़ों के लिए भी काफी बड़ी बड़ी राइड्स हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे कोई राइड करने नहीं आया हूँ, सिर्फ मेला घूमने के लिए आ रखा हूँ, क्योंकि मुझे कोई राइड भी नहीं करनी यहाँ पे। झूले झूलने में मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। मेले के अंदर एक और जेंट व्हील वाला झूला है, जो ये पहले वाले झूले से थोड़ा छोटा है। इसकी राइड 70 रुपए की है। इस वाली राइड के साथ यहाँ पे सुपर ड्रैगन वाली ट्रेन है, इस वाले ड्रैगन राइड की 60 रुपए की टिकट है। मेले की एंट्री फ्री है, पर यहाँ पर राइड और झूलों के अलग अलग रेट है राइड करने के लिए। यहाँ पर मेले के अंदर मुझे धुआं वाले बिस्किट का भी एक स्टॉल देखने को मिल रहा है। तो मेले के अंदर आपको इस तरह की भी चीजें देखने को मिल जाती हैं। मेले के बीच में खड़े होकर मैंने अपनी खुद की एक वीडियो बनाई, देखना चाहता था कैसी वीडियो बनती है और कैसा व्यू आता है।
एक यहाँ पर नाव वाली भी राइड देखने को मिली, जिस राइड का 80 रुपए का रेट था राइड करने का। तो मुझे ये राइड भी काफी डेंजर लगती है, पता नहीं कैसे लोग इसमें राइड कर लेते हैं, काफी हिम्मत होनी चाहिए, मुझे तो डर ही लग जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे ब्रेक डांस वाली भी राइड है, जिस राइड का 80 रुपए का रेट है। वैसे ये सारी राइड करने में काफी मजा आता होगा और काफी इंजॉय भी करते होंगे लोग, ये सब भी एक तरह का एडवेंचर ही है। आगे चलकर देखता हूँ एक और राइड देखने को मिल रही है मुझे। जो ये वाली राइड है, इस वाली राइड का नाम है रेंजर राइड। ये राइड ऊपर को जाती है, फिर ऊपर जाकर ये उल्टी हो जाती है, जो इस तरह की हो रही है ये। इस वाली राइड की टिकट है 80 रुपए की, जिसमें कि आप इसमें राइड कर सकते हैं 80 रुपए में। इन राइड के बाद मुझे एक और यहाँ पे ड्रैगन वाली राइड देखने को मिल रही है, तो आगे चलकर देखता हूँ। ये वाली राइड भी ड्रैगन वाली राइड है, इसमें भी बच्चे और बड़े राइड करते हैं, बच्चों की तो काफी फेवरेट राइड है। इस राइड की जो टिकट है 50 रुपए की है, जिसमें आप ड्रैगन के ऊपर बैठ के 50 रुपए में राइड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ खिलौने लाइटिंग वाले देखने को मिल रहे हैं और कुछ लैंप लाइटिंग भी देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह की लाइटिंग देखने को मिल रही है जो कि काफी अच्छी लग रही है मुझे। और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे लैंप लाइटिंग भी हैं जो कि काफी अच्छे हैं, अलग अलग कलर में भी। आई होप आपको ये समर कार्निवल वाला ब्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। और अभी देखता हूँ मेले में देखने के लिए क्या क्या रह गया है। इधर मैंने मेले के अंदर बच्चों के लिए टॉय बोटिंग भी देखी, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं, बच्चे बोटिंग करते हुए काफी एंजॉय कर रहे हैं और काफी अच्छा उनको लग रहा है पानी के अंदर बोटिंग करना। वैसे भी बच्चों को पानी में खेलने में काफी मजा आता है, तो बच्चों के लिए समर कार्निवल मेले में बहुत कुछ है। बच्चों को बोटिंग करते देख, इसके बाद मैंने यहाँ पे बत्तख वाली राइड देखी, एक और यहाँ पे एरोप्लेन वाली राइड है बच्चों के लिए। मेले के अंदर बच्चों के लिए भर भर के राइड है। यहाँ पर मैंने एक VR का भी एक स्टॉल देखा छोटा सा, बच्चों की इस तरह की भी राइड है जो कि टॉय जीप है, और भी इस तरह की बच्चों की राइड है। इसके साथ ही छोटा भीम वाली राइड है, जिसमें कि राइड में छोटी छोटी जीप बनी हुई है राइड करने के लिए बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे काफी अच्छे लग रहे हैं राइड करते हुए। समर कार्निवल मेले के अंदर मैंने बहुत सारी राइड देखी। उसके बाद यहाँ पर मेले में लगे स्टॉल देख रहा हूँ, जैसे कि बच्चों के लिए खिलौनों का स्टॉल है, अलग अलग तरह के यहाँ पे खिलौने बिक रहे हैं, ये सब भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप आते हैं तो आपको भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे देखता हूँ और किस चीज का स्टॉल देखने को मिलेगा। इस वाले स्टॉल में भी टॉय और टेडी बियर देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। इनके बाद इस वाले स्टॉल में गले की चेन, चूड़ियां और बिंदिया वगैरह मिल रही हैं, यानी कि जो लेडीजों का सामान होता है वो इस वाले स्टॉल में देखने को मिल रहा है, जैसे मंगलसूत्र और चूड़ियां। इसके साथ ही यहाँ पे स्लीपर्स हैं जेंट्स और लेडीज के, यानी कि आप मेले में राइड करने के साथ साथ यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किचन का भी सामान मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफी सारी अच्छी अच्छी क्रॉकरी वगैरह हैं, कप हैं, इनके साथ प्लेट्स हैं, ट्रे हैं, ये सब मुझे क्रॉकरी इस वाले स्टॉल में देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस वाले स्टॉल में भी चूड़ियां, गले की चेन और कुछ आर्टिफिशियल हार भी देखने को मिल रहे हैं। आगे वाले स्टॉल में देखता हूँ क्या है। यहाँ पर कुछ प्लास्टिक का सामान मिल रहा है जो हमारे घर में यूज होने वाला होता है। इधर मुझे एक लेडीज पर्स का स्टॉल देखने को मिल रहा है, जिसमें कि लेडीज पर्स काफी अच्छे अच्छे हैं, जिनके पर्स के डिजाइन भी काफी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इनके साथ गले की चेन और लेडीज मंगलसूत्र और पर्स भी हैं। चलता हूँ अभी अगले वाले स्टॉल पर। ये वाला स्टॉल में जो देख पा रहा हूँ, ये की चेन का स्टॉल लग रहा है मुझे, जो यहाँ पे काफी अलग अलग तरह के की चेन देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और यहाँ पे कैंडी और टॉफियां वगैरह भी मिल रही हैं और खट्टी मीठी गोलियां भी मिल रही हैं, जैसे कि स्टार वाली कैंडी, संतरे वाली गोलियां। मुझे इधर मेले में कुछ टी शर्ट वगैरह भी देखने को मिल रही है और इनके साथ साथ कुछ लोवर वगैरह भी देखने को मिले। मुझे लग रहा था मेले के अंदर जेंट्सों के लिए कुछ नहीं है, पर मेले में देखा कि जेंट्सों के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे, जैसे कि टी शर्ट और लोवर्स हैं, तो मुझे ये सब भी देखने को मिल रहा है इधर। मैंने मेले के अंदर रिंग वाला स्टॉल देखा, जिसमें आप रिंग फेंक कर कोई इनाम भी जीत सकते हो, पर आपका रिंग के अंदर वो सामान आना चाहिए, उसके बदले आपको वो सामान मिलता है या उसके बदले आपको पैसा मिलता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सुंदर सुंदर बार्बी डॉल देखी, जिनकी बार्बी डॉल की ड्रेस भी काफी अच्छी है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है डॉल। इनके साथ यहाँ पे इयर रिंग भी है काफी सारी अलग अलग तरह की। कुछ तो की चेन में बार्बी डॉल थी, जो की चेन के अंदर भी बार्बी डॉल काफी अच्छी अच्छी है। अब मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। मैंने पूरा समर कार्निवल मेला घूम लिया है, साथ ही एक्सप्लोर भी कर दिया है। व्लॉग अच्छा लगा है तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।